यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। प्रदेश के झांसी जिले का कटोरा ग्राम पंचायत आज भी सरकार की योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं से महरूम नजर आ रहा है। गांव के लोग आज भी पानी, बिजली, सड़क और नाली जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। गांव की महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से मिलने वाले गैस सिलेंडर भी उन्हें नहीं मिले हैं। आज भी पूरा गाँव अंधेरे में रहकर और चूल्हे में खाना बनाकर यहाँ पर अपना गुजारा कर रहा है। बिजली ना होने के चलते गांव के बच्चों को भी पढ़ाई करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान लोगों के घरों में बेकार पड़े रहते हैं क्योंकि बिजली वहां पर नहीं है। वहीं मामले में जब खबरें अभी तक की टीम ने ग्राम प्रधान से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बाहर होने का हवाला देते हुए मिलने से मना कर दिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये जो समस्या है लोगों के सामने, चाहे वो बिजली की है चाहे वो पानी की है, काफी ज्यादा परेशानियां उनके सामने आ रही है। कब से इस परेशानी का सामना लोग कर रहे हैं? जी मैम, लगभग 1947 से जब से हमारा देश आजाद हुआ है जब से लेकर आज तक जी झांसी जिले के कटेरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत साजेरा नामक ये गाँव है जिसमें अभी तक ना ही बिजली पहुंची है ना ही पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। सारे कुएं सूख चुके हैं। गांव के लोगों को सिर्फ ये उम्मीद है कि कोई फरिश्ता आएगा और हमारे लिए बिजली लाएगा। आज भी गांव के लोग बिजली की आस में बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। गाँव की बहुत दयनीय स्थिति है। विकास के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं है, ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी है, ना ही कोई साफ सफाई की व्यवस्था है। अभिषेक, गैस सिलेंडर भी उन्हें उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, चूल्हे पर उन्हें खाना बनाना पड़ता है, अपना गुजारा करना पड़ रहा है, क्यों उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया? जी मैडम, जैसा कि गांव की महिलाओं से हमारी चर्चा हुई है तो उन्होंने भी बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस सिलेंडरों का कनेक्शन मिलना था वो भी ग्राम प्रधान द्वारा नहीं दिया गया है और मजबूरी में उनको आज भी चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। आज जी अभिषेक, क्या ग्राम प्रधान से बात करने की कोशिश की गई? चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ग्राम प्रधान से भी आपको बता दें कि बात करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो बाहर है तो बच्चे वो भी यहां पर नजर आए हैं लेकिन बिजली के लिए गांव तरस रहा है और बच्चों को बिजली नहीं मिल पा रही जिसकी वजह से पढ़ाई करने में भी उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। खुद गाँव की महिलाओं का कहना है कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर जो है वो भी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।